अच्छा एक आ, सनी साहब का किस्सा है कि उनको वॉशरूम में बंद कर दिया था कप्तान ने खुद ही कि सोबर साथ ना मिला पाए वो तो, अरे वो एक आ, आ, आप वो सलीम दुरानी की बात कर रहे हैं क्या वेस्ट इंडीज में हाँ हा। हा, वेस्ट इंडीज में क्या हुआ था कि सलीम दुरानी तब गैरी सोबर्स सो और एक और खिलाड़ी उनका मशहूर जो रोहन का ना ये आउट नहीं हो रहे थे और तब इस ये बार बार कप्तान को अजीत वाडेकर को कह रहे वो और कह रहे थे मुझे एक ओवर तो दोनों को निपटा दूंगा लेकिन वो दे ही नहीं रहे थे तो आखिर उसने छीन तो कर एक बार ओवर ले लिया और दोनों विकेट टपका दिए एक ही ओवर में और फिर कहा गया मुझे गेंद नहीं करनी आप जिससे करना हो करा लो मतलब ही, ही वॉज सो कॉन्फिडेंट और वो जो बात कर रहे हैं ना आप रूम में बंद करने वाली हाँ। वो जो आप बात कर रहे हैं वो था कि अजीत वाडेकर कप्तान थे और वो देख रहे थे इंडिया वेस्ट इंडीज़ गई थी और वो देख रहे थे कि गेरी सोवर्स बार बार हर मैच के पहले सुबह सुबह आते हैं सनी गावस्कर के कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर जाकर शतक ठोक देते हैं तो बोले ये तो बड़ा मतलब शुभ इसके लिए है इसका हाथ पर तो वो जब उस टेस्ट मैच में भारत को दो सौ दो रन वेस्ट इंडीज़ को बनाने थे जीतने के लिए और उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी थे तो वो आए और जैसे ही आए तो उन्होंने <laughs> कंधे पे हाथ रखने के लिए गावस्कर के लिए आए तो देखा कि अरे गेरी सोबर्स आ रहे हैं इन्होंने देखा अजीत वाडेकर ने तो उन्होंने कहा कि सनी कहाँ है सब दूर से ही पूछा सनी बोले बाथरूम में तो उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा कर चाबी जेब में रख ली गेरी सोबर्स आए बोले वेरी सनी सबके सबको हाल चाल पूछा और वेरी सनी बोले नो आ, वी नो डू नॉट तो नो कहाँ पर है तो फिर वो चले गए और सन देखिए सोबर्स पहली गेंद पर बोल्ड हो गए और वो टेस्ट मैच भारत जीत गया और सनी भाई ने पूछा अजीत वाडेकर से कि अरे वो छूने की कोशिश करते तो मैदान में भी छू सकते थे काहे के लिए मुझे बाथरूम में बंद किया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो ड्रेसिंग रूम में आकर छूने से ही फलीभूत होती है वो बात अदर अदरवाइज वो रन नहीं बना सकते फ़ैन्स के बहुत सारे सवाल आए आपके लिए तो इनमें एक मोहित जी हैं वो पूछ रहे हैं कि बचपन से आपकी कमेंट्री सुनी दादाजी की रेडियो वाली यादें ताज़ा हो गई एक बार वो किस्सा सुनाइए जब आप कहा करते थे इस गेंद को खूबसूरत ढंग से कट किया है गेंद तेजी से सीमा रखे के बाहर मतलब ये एक नमूना सुनना चाहते हैं आपकी कॉमेंट्री हाँ, का हाँ जी दे, देखिए मैंने जब हिंदी कमेंट्री शुरू की थी ना तब मैं सोचता था कि बैट्समैन करता है क्या हिंदी में इसको कैसे डिस्क्राइब करते दें तो मुझे लगता है कि मैंने बैट्समैन के क्रियाकलाप देखे कि बेटर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद रहती है ऑफ स्टम्प के बाहर रहती है गेंद को अपनी लाइन से अलग करता है अपने आप को बैट्समैन और फिर स्ट्रोक के लिए जगह बनाता और स्क्वायर कट करता तो इसको अगर अपनी लाइन में कहें शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर और गावस्कर ने अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और स्क्वायर कट कर दिया के लिए तो ये इस तरह से हमने भाषा बनाई अच्छा मधुसूदन जी पूछ रहे हैं कि आप जब कमेंट्री करते थे तो बता देते थे कि अब बल्लेबाज को आउट करने के लिए जाल बिछा दिया गया है और बल्लेबाज आउट भी हो जाता था <laughs> कैसे पता चलता था आपको <laughs> नहीं नहीं ये पता तो नहीं चलता है ये हम ये जरूर कह सकते हैं कि बॉलर कर क्या रहा है किस तरीके से उन्हें आउट करने की कोशिश कर रहा है और कहाँ कहाँ वो आक्रमण की दिशा निर्धारित कर रहा है तो और कहाँ कहाँ उसको विकेट लेने की आशा है कई बार आउट हो जाते हैं वो बात अलग थी तो वो एक सहयोगी कही है